हेलो फ्रेंड्स, ये नाइट का व्यू है। कल नाइट में हम लोगों ने क्या किया, कैसे किया, वो आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि अभी दिवाली है तो सब क्रैकर्स से डॉग परेशान हो रहे होंगे, तो इनको कैसे हैंडल करते हैं हम हॉस्टल में, ये आपको लाइव दिखाने के लिए ये सीसीटीवी की क्लिप ऐड कर रहा हूँ। इस समय हमने क्या किया, सारे डॉग्स को बाहर ले लिया, लाइट वगैरह ऑन कर दी, फिर एक म्यूज़िक सिस्टम लगाया थोड़ा सा बड़ा, जिससे साउंड क्रिएट हो अच्छा खासा। उसमें सिर्फ डीजे वाले साउंड लगाए, और डीजे वाले साउंड में धम धम धुपचिक ये वो सब चीज़ चलता रहता है, तो फटाकों की आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। और इनके एंटरटेनमेंट के लिए मैं इनके साथ ही रहा, और जब मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था तो उन गानों पर थोड़ा सा मैं डांस भी कर लिया। इसमें वो डांस का नहीं आप कुछ बोल सकते हैं क्योंकि मैं डांसर नहीं हूँ, पर हाँ इससे डॉग्स को फ़र्क पड़ता है, ये भौंकते नहीं है, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास घर भी है, सुना नहीं है, तो उनको भी परेशानी ना हो इसलिए फिर यहाँ पर वेट लंबे समय तक किया जाता है। और ये कि ये प्रक्रिया गोविंद के सहारे पूरी नाइट तक देते रहे, करीबन 10-11-12 बजे तक, उसके बाद सब शांत हो गया और सो गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गोविंद गया है मॉर्निंग की ड्यूटी करने के लिए, और मैं और ऑस्कर अभी आगे की तरफ घूम रहे हैं। ऑस्कर को पूरा टाइम आगे ही रखा कल नाइट में। फ्रेंड्स अब आगे है गोविंद, और अब काम होगा स्टार्ट। फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है रियो को। रियो एक जर्मन शेफर्ड है और हॉस्टल पर आ रखा है, और ये भी रेगुलर आता रहता है। ये इसके नाक पर जो मिट्टी चढ़ रखी है, एक्चुअली हुआ क्या है बोलता हूँ, पहले वहाँ दीवार के ऊपर सुसु की, फिर उस सुसु को अपने नाक से मिट्टी गिरा रहा था ऊपर, उसको बंद करने के लिए, यानी सफाई रखने के लिए। गजब है ये भी, ये देखो सुसु गया, सुसु के ऊपर खुद ही नाक से रगड़ रगड़ के मिट्टी गिरा रहा था, इसलिए नाक के ऊपर मिट्टी लग रखी है। ये स्मेल कर रहा है ऑस्कर क्यों, क्योंकि ऑस्कर पूरे टाइम आगे ही रहा ऑफिस में और आगे की तरफ। रियो ना, रियो बाहर चल, बाहर। गुड, सुनते तो पूरी है। तो फ्रेंड्स अब छोड़ दिया है लेब्रा की टोलियों को ना, और साथ में जर्मन और एक इंडियन ब्रीड, और साथ में बीगल। गुच्छा देखो आप, चारों तरफ कुछ ना कुछ चल ही रहा है, और पीछे वाले भी चिल्ला रहे हैं। दिवाली में बहुत से डॉग हैं जो डरते हैं फटाके से, तो अरे अभी नहीं, रोको टोको अभी नहीं, बाद में प्यार करूंगा। टोको को आएगा गुस्सा, नहीं बेटा मैं अभी प्यार नहीं करूंगा। ये देखो आया गुस्सा, नो तू भी आ गया, मैक्सड़ा नो, अभी नहीं बाद में प्यार करूंगा, जाओ खेलो अभी, सबको मुझसे प्यार कराना है बस। नो नो अभी मैं किसी को प्यार नहीं करूंगा, नहीं नहीं तो मना करता जा रहा हूँ तो सुन नहीं रहा है क्या। जॉय देखो, मोगली देखो, बाकी कुछ डॉग पीछे वॉक रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको भी आगे आना है, लेकिन सबको तो एक साथ नहीं छोड़ा जा सकता ना। और इस भीड़ में ये बच्ची कहाँ गुम गई किसी को पता नहीं। हाँ तो को क्या, नहीं बेटा क्या जो लड़ी जो, देखो देखो यहाँ देखो ये टिप्पू की, वैसे तो फुल बदमाशी है लेकिन अभी मजे कर रही है। गले गले गले, नो ऊपर नहीं टुकड़ा, नो ऊपर नहीं, नो ये पंजा दुख रहा है इसका। फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ प्यार ना करने का नतीजा क्या होता है। ये नो, इसको हमने नो सिखाया था, घर वालों ने फिर से आदत लगा दी है ऊपर चढ़ के प्यार करवाने की, और उसका नतीजा ये रहा है। हो गया आज काम पक्का टी शर्ट का। टोगो एक इंडियन ब्रीड है और हॉस्टल पर आ रखा है, साथ में मोगली भी हॉस्टल पर आया, लेब्राडोर। ओरियो बीगल ब्रीड, कीजी लेब्राडोर हॉस्टल, हॉस्टल और कैफ नहीं जैफ हॉस्टल, उसके बाद बोन्जो हॉस्टल, और मैक्स हॉस्टल, जॉय हॉस्टल, अभी शेर सब हॉस्टल पर ही है क्योंकि ट्रेनिंग अभी बंद है, और दिवाली के बाद से स्टार्ट करेंगे न्यू बैच, अभी सिर्फ हॉस्टल ले रहे हैं। और ये अभी भी यहाँ गुल मिल गई है फुल अच्छी तरह से, किसी को परेशान कर रहा है जेफ कब से। नो ऊपर आएगा ही नहीं, नो पहले हमने इसको मस्त नो सिखा के भेजा था, फिर भी उन्होंने ओवर प्यार करके वापस कर ही दिया इसको ऊपर चढ़ाने का आला, वो गलत चीज है यार। देखो क्या हो गया, नया दिन क्या हो गया। हाँ गुच्छ पप्पू है तो बस जाओ खेलो ऊपर, नहीं तो ऊपर ऊपर तुम्हें किसको लेना, तुझे पता नहीं क्या।
मेरे पास क्या कर रहा है, जा घूम फिर ऐश कर जा, नहीं कोई पास में नहीं आएगा, नहीं जॉय और टोगो की बन गई है। जॉय टोगो की दोस्ती, मैं की परेशान हो रही है वहां। ओले जॉय लटक गया, लटक इन द सेंस गंदा हो गया, ये किसी को छोड़ नहीं रहा है, जेफ फिर मार खाएगा। और यहाँ देखो मोगली खेल रहा है, नो ऊपर नहीं, डेजी पर, डेजी का, और डेजी का घर का नाम है गुप्पी, ऐसा ही कुछ बताया, मैं फिर से भूल गया हूँ थोड़ा सा, तो भी याद आ जाएगा। और यहाँ ये फाइट ना हो जाए बस इस मामले में, ये भी यहाँ भी ध्यान रखना है और यहाँ भी, और इसको गुस्सा आने लगा है, चुटकी को गुस्सा आने लगा है, देखना ये देखो, ये देखो, ये देखो, आज झाड़ू नहीं काट सके क्योंकि आज इतनी गंदा तो नहीं था, सिर्फ ये पत्ते थे ना, खोलो वहां देखो, इतनी गुस्सा करती है, देखना गुस्सा करती है, देखना गुस्सा तो आता है पीट ली को ना, मैं इसको ऐसे ही प्यार कर रहा था, नहीं अब नहीं कर रहा, बोला इधर आते कर देता हूँ, ये लो बस मैं एक्सरा, अब जाओ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, हाँ नो बोला ना, नो बोला तो सुनता नहीं, नो नो अब नहीं, हो गया बस, ज़्यादा प्यार से बिगड़ जाते बच्चे, नहीं अब इरिटेट हो रहा है, कौन टोगो इरिटेट हो रहा है, फिर टोगो एक बार इसको अच्छी तरह से समझाएगा फिर ये इसके साथ नहीं करेगा। ओहो बोनजो, बोनजो प्लस डिजी, डिजी 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 डिजी, इसको गुस्सा बहुत आता है, देखना अभी गुस्सा करेगा, जब देखना टिड्डुकड़ी गुस्सा बहुत करती है, यहाँ देखो ये पूरी तरह से फ्रेंड खुश हो गई है, देखो इसके साथ मस्त खेल रही है बोनजो के साथ, ये देखो बोनजो के साथ खेल रही है, देखो अरे क्या हो रहा है, पूरा गुस्सा हो गया उधर तो, ए हटो यहाँ से, कैमरा एंगल गलत हो गया था मेरा, नो अभी किसी को प्यार नहीं करूंगा, जाओ खेलो। अब कोई बोल ही नहीं सकता है कि डेजी को कुछ दिन हो गए आए, इतना मस्ती करने लग गए सब दोस्त के साथ, नो ऊपर नहीं, फिर ऊपर नहीं, सबके साथ मस्ती वगैरह ने स्टार्ट कर दिया, इसको तो घर के जैसा माहौल मिल गया, नो नो ऊपर नहीं, ये ऊपर आना चाहता लेकिन अब नो वापस, नो नो ही सिखाएंगे हम क्योंकि हमको नो सिखाना ज़रूरी है, नहीं तो ये हमको छील देगा, नो नो अरे बाबू डेजी 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 ये डेजी 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 डिजिकड़ी खुश हो गई, डिजिकड़ी सबके साथ खेल लेती है डिजिकड़ी, ना ए जॉय ये है आज का मॉर्निंग, सब डॉग मस्ती करते हुए, लो होरियो होरियो को देखो, बीगल को देखो, उसको पकड़ लिया, क्या ही गेम चल रहा है, देखो इस खट्टी गुगड़ी का टिगुड़ी खेलती मस्त है, नोट हो गो लो,
यहाँ ये चारों मस्ती करते हुए, वहाँ ये तीनों मस्ती करते हुए, वो एक कल्ला और ये मेरे पास प्यार कराते हुए। नाइट फ्रेंड्स, अब छोड़ा गया है चार्ली को। चार्ली एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड है, ये भी हॉस्टल पर आ रखा है और अभी तक भी इसने खाना स्टार्ट नहीं किया है, ये ओनर को भी पता है, और धीरे धीरे घुल जाएगा। अभी जब ये फ्रेश वगैरह हो जाएगा तो आज इसको इंट्रोड्यूस करेंगे मैगी और खुशी से। फ्रेंड्स, अब चिंकी को छोड़ा गया है। चिंकी को इसलिए छोड़ा है क्योंकि चिंकी पीरियड्स पर है और फीमेल डॉग पर ये अटैक नहीं करेगा, और चिंकी को भी हमको बहादुर वैसे भी बनाना ही है, हर डॉग से मुकाबला करने का मतलब अपने आप की सुरक्षा करना ज़रूरी है। जब ये अपनी सुरक्षा करेगी तभी तो ओनर की सुरक्षा कर सकेगी। ये बहुत ज़्यादा डर जाती है दूसरे डॉग से। हमारे यहाँ तो बहुत मस्तियाँ करती हैं, तूफान मचा देती है, किसी से नहीं डरती है, पर कुछ डॉग अगर इस पर हमला करते हैं तो हल्के हल्के किसी किसी से डरती भी है और बाहर घबराती है, पर ये इस पर बाइट नहीं करेगा नेचर के अकॉर्डिंग। इसके साथ थोड़ा फ्रेंडलियर होने की कोशिश करेगा, ये धीरे धीरे फ्रेंडलियर हो जाएगा, फिर इसको भी बहुत से डॉग्स के साथ छोड़ेंगे धीरे धीरे। फ्रेंड्स, अब छोड़ा गया है ब्रूनो को और चाउ चाउ को। दोनों ही ब्रूनो है, इन दोनों का नाम ब्रूनो है। इसका नाम भी ब्रूनो है जो कि चाउ चाउ ब्रीड है ना चिंकड़ी, और इसका नाम भी ब्रूनो है जो जर्मन शेफर्ड ब्रीड है। दोनों ही हॉस्टल पर है और यह है चिंकड़ी, इसको हम तूफान भी बोलते हैं। बहुत नाचा कूदा करती है, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, अब छोड़ा गया है विस्की को। विस्की एक अकीता ब्रीड है और हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए, और इसके साथ खेलने के लिए चिंकी, खुशी या मैगी, बस इन तीन फीमेल के अलावा ये किसी के साथ नहीं खेल सकता, मारता है। फ्रेंड्स, अब छोड़ा गया है माइलो को। माइलो एक लेब्राडोर है और ये भी हॉस्टल पर आ रखा है और साथ में है खुशी। माइलो क्या है, खेलते खेलते अचानक ही गुस्सा करने लग जाता है, हमला ही कर देता है किसी के ऊपर, देखता नहीं है आगे छोटा बच्चा है कि बड़ा है। फिर अगर कोई भारी वाला मिल गया इसको, उसके ऊपर ऐसा कर दिया तो फिर इसको भी लड़ना तो आता है नहीं, मारेगा वो, इसलिए इसे अलग छोड़ते हैं सेफ्टी की वजह से। अब छोड़ा गया है बर्फी को और शेरू को और मैगी को। अरे रुक जा, इधर रुक, तेरे भी पंजे तो बहुत ही तिक्के हैं। अरे तू आज शेरूड़ा, शेरूड़ा की हेल्थ मस्त हो गई है। हाँ, हालांकि रॉटविलर जैसी प्रॉपर तो नहीं बनी है, क्योंकि ये तो हमारे पास एकदम टीटला आया था, डॉबरमैन की तरह भी नहीं आया था, लेकिन अब डॉबरमैन की तरह तो बन गया है और धीरे धीरे बन भी जाएगा, क्योंकि अब इसकी आदतें हमने छुड़ा दी है। मिट्टी वाली छुड़ गई है, पोटी वाली छुड़ गई है, और खाने में तो ये तेज है ही है, और डाइट हम आपको बता देंगे ओनर्स को कितनी डाइट कैसे देनी है उसको वो। और आज बर्फी चला जाएगा। बर्फी एक इंडियन ब्रीड है, हॉस्टल पर आ रखा था, आज ओवर हो गए हैं डेज, 31 को लेके जाने का बोला था और मैसेज आ गया है 10 बजे के आसपास आएंगे। फ्रेंड्स, अब सबको देने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में हम दे रहे हैं बिस्किट। अब इनको देने 5 को 6-7। अरे आ जाना, क्या वहाँ फटाफट फटाफट। स्पीड देगी, सबको दे दिया गया है, ये अभी भी खा नहीं रहा है। खा ले बेटा, चार्ली बिस्किट खाओ, देख इसने ब्रूनो ने कैसे साफ किया है, बिस्किट खा ले। खाएगा नहीं, पर यहाँ ये सब खा रहे हैं पांचों के पांचों। अब कुछ डॉग और हैं, उन्हें अभी निकालेंगे, जिनके भी खत्म हो गया उनको थोड़ा बहुत और डाल देना। कोशिश कर खावे तो
खा ले बेटा, खा ले चार्ली, खा ले। अच्छा बाबू ने खा ले, गुड बॉय, खा ले। जूही और रूबी, रूबी के पाँव की अभी भी दिक्कत है, वो फुंसी जब तक सही नहीं होगी तब तक ऐसा होगा। हम टेबलेट दे रहे हैं एंटीबायोटिक वगैरह, और साथ में छोड़ा है विस्की को, अप्पू को, डुगू को और लियो को, ये सब हॉस्टल पर आ रखे हैं। ये है लास्ट बैच। एक कॉल आ गया, जर्मन फीमेल। फ्रेंड्स अभी कॉल आया था विस्की कि जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग है, ओनर कह रहे हैं फटाकुट की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अरे हाँ ले प्यार को इधर ले, मुझे पता हाथ को लगी हुई, अभी लगी हुई तो अभी थोड़े दिन टाइम लगेगा भाई, सही होता है, कुछ जल्दी नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं, बस इसके पाँव की पुंसी हो रखी है तो एक दुख रही है इसको शायद, तो परेशान हो रहा है। टैबलेट तो हम दे ही रहे हैं। हाँ तेरे को उस तरफ भेज देता हूँ, ले आओ कम हियर ना। फ्रेंड्स रूबी को पीछे की तरफ भेज दिया गया है क्योंकि उसकी टांग दुख ही रही है, फिर यहाँ गदा मस्ती करेगा तो क्या करेगा तुझे। और मैं कह रहा था विस्की जो कि जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग है, कॉल आया था सर को परेशानी हो रही है, डॉग बहुत परेशान हो रहा है फटाकों की आवाज़ से वगैरह, हर जगह छुपना चाह रहा है, घुसना चाह रहा है, तो वो क्या करे क्या ना करे वो उसे पता करने के लिए मुझे कॉल किया था। मैंने उन्हें बता तो दिया लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ छोड़ें तो कैसा रहेगा। मैंने कहा यहाँ छोड़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि बहुत सारे डॉग्स एक दूसरे डॉग्स को देखकर भी चुप हो जा रहे हैं, जहाँ घर पर ये 90% करते हैं तो यहाँ सिर्फ 15% करेंगे, क्योंकि दूसरों को ये भी तो है ना कि प्रकाश भैया इधर ही है और इनको मेरा ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, जब भी तो सबको साथ में छोड़ सकते हैं हम लोग, कोई किसी को नहीं मारेगा, ये इनको बिलीव है, तो इस टाइप का बिलीव बना देते हैं कि फटाकों से तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ। और हम भी जो करते हैं वो तो वीडियो में शो कर ही दिया है, हम यहाँ क्या करते हैं और आप घर पर क्या कर सकते हो वो भी मैंने बता दिया है, आप चाहें तो ऐसा ट्राई कर सकते हैं, इससे डॉग को थोड़ी शांति रहेगी। दो दिन की बात है, दो दिन बाद में क्रैकर्स का पूरा साउंड बंद हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों डरते हैं बोलते, इनको लगता है गोली चली है और गोली से जान का खतरा है, इसलिए इन सब की हालत ऐसी हो जाती है, बस नॉर्मल है। सब बहुत से डॉग डरते हैं, बहुत से डॉग नहीं डरते हैं, डरते हैं जो अच्छा ही है, जो नहीं डरते हैं आपने वीडियोस पे देखे होंगे वो मुंह में लेके भाग जाते हैं, कभी फटाके कभी रॉकेट कभी बम, और वो फटते हैं तब उनकी हालत बहुत भयानक हो जाती है, देखा है मैंने दो तीन वीडियोस में, डेथ भी होते हुए देखी डॉग्स की, फटाके मुंह में फट गए हैं वगैरह वगैरह इस टाइप से ना। चलो विस्की की दिवाली शुरू, विस्की और खुशी अनलिमिटेड खेलते हैं इसी टाइप से। फ्रेंड्स अब दिया गया है रूबी को, उसके बाद अप्पू को, ए तेरा हो गया ना रे, इसको अभी भी खाना है, लेकिन ये कोई फूड थोड़ी ना है, ये ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट ऐसे ही खाया जाता है। थोड़ा सा नजदीक ले ले बेटा तेरे, लियो भी खा रहा है, डुगू भी खा रहा है, अब बाहर तीन डॉग और है, नहीं चार डॉग और है, मैगी, खुशी और विस्की और जूही, उन सबको बाहर ही दे दिया जाएगा क्योंकि यहाँ ट्राई करने की जगह नहीं है। देखो ये फाइटर है, इसको अकेला ही रखना पड़ता है, ये दोनों को टाई कर दिया गया है, इन दोनों को टाई कर दिया गया है, इन दोनों को टाई कर दिया गया है, इसको अकेले रखना जरूरी है, इसको बाहर, 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 इतने बार होने के बाद इतने अंदर, अब एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ कहीं टाई कर सके हम, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक होने पर भी फाइट करने का चांसेस रहता है, फूड के लिए तो अक्सर रहता है, तो बस इसलिए बाहर छोड़ा जा रहा है। और शाम तक आ जाएगी विस्की लैब्राडोर, विस्की जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग हॉस्टल पर एक दो दिन के लिए, और ये ढुपुला यहाँ बैठा है, इससे भी फटाकों से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। ये था आज का अपडेट फ्रेंड्स।